सभी को स्वागत है इस मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली तो बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे नीट में दो एक दो सवाल आ जाते हैं, तो इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड की NCERT मैंने खोल ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो NCERT कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि वो बेसिक इंट्रोडक्शन देती है इस चैप्टर का। जैसे बताती है वो पहले, हाउ वंडरफुल इज दिस लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। तो ये बताना चाहती है कि हम लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना वाले हैं, तो वो कितने अमेजिंग है, कितने अलग अलग प्रकार से है। तो वो बताते हैं किन किन जगहों पर हमें ये ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स। ये हर जगह हमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जो हमें स्पीचलेस कर देती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स वहाँ एक ही जगह में पाए जा सकते हैं। जैसे द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, माइग्रेटरिंग बर्ड्स एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क्स, ये कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के फेनोमेनन्स है जो हमें डीप सेंस ऑफ वंडर में भेज देती है, क्योंकि हमें देख के इतना आश्चर्यजनक होता है कि ये भी हो सकता है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। तो हमें पता है एक पॉपुलेशन को अच्छे से चलने के लिए हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पाए जाते हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, वो मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे अब हम इंसान एक अपने शहर में रहते हैं, उस शहर को चलाने के लिए इंसानों को एक तरीके से कोऑपरेशन में काम करना पड़ता है। लेकिन यही सिर्फ नहीं है, अब एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, मतलब हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ सिर्फ इंसान तो नहीं है और तरह तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे अलग अलग गाय, बकरी, भैंस, उन सब के साथ भी हमें कोऑपरेशन में रहना चाहिए, नहीं तो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम हमारा इम्बेलेंस हो जाएगा। हमें एक इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन में भी एक साथ हमें करना पड़ता है। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, एक सेल के अंदर ही हम देख सकते हैं कितने अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उन सब के बीच में एक मॉलिक्यूल तो नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके बीच में एक ट्रैफिक होता है, फिर भी वो लाइफ को चलाती है। तो हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर ये लाइफ है क्या। तो ये क्वेश्चन पूछते संग ही हमें दो और क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिनको बताया गया है कि एक टेक्निकल है और जो पूछा जाता है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है कि एक लिविंग हो जाता है और एक नॉन लिविंग। और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो फिलोसॉफिकल हो जाता है, एक जो बताता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब हम आखिर जिंदा क्यों है। जो पहला क्वेश्चन है वो साइंटिफिक है, इसको हम इस में डील करेंगे, लेकिन जो फिलोसॉफिकल वाला क्वेश्चन है वो हम डील नहीं करेंगे इधर। NCERT पॉइंट नंबर 1.1, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, ये जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, इसको हम इसके अंदर जाएंगे। पहला जो हम जब सोचते हैं व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग से हमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स याद आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जैसे बोला डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, मतलब वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बाकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो पाए नहीं जाते। हमें जब ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स है क्या, ग्रोथ, हम सब ग्रोथ करते हैं, एक बच्चे से हम बड़े होने की जर्नी में हम कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन, हम अपनी जनरेशन्स को एक से अगली जनरेशन के जाने के लिए रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स, हमें जब भी कोई हम बात करते हैं या कोई हमें स्टिमुली मिलती है हम उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे अभी गर्म तवे को छू लेने से हम हाथ हटा देते हैं, उसी को हम एक स्पेशल हमारा वो एबिलिटी है, वो सब हमारे माइंड में आता है, ये फीचर्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लेकिन और उनमें बहुत सारे अलग फीचर्स भी है, जैसे मेटाबॉलिज्म, हमारा अलग अलग सब्सटेंसेस को हम कैटाबोलाइज या एनाबोलाइज करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमरजेंस, इंटरैक्ट
वही सेंस ऑफ एनवायरनमेंट और उसका रिस्पॉन्स को ही बताना चाहता है। सो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टर जो हमने बोला ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। हाँ, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं क्योंकि वो जाइगोट से स्टार्ट होती है उसका बेसिक लाइफ, और जाइगोट से वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स है, दो कैरेक्टर्स है ग्रोथ के, उनको हम कहते हैं इंक्रीज इन मास। हमारा मास इंक्रीज होता है, एक छोटे बच्चे का मास कुछ 10 kg में आ जाएगा, लेकिन एक बड़े आदमी में वो जाके 60-70 kg तक चला जाएगा। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पहले जब दुनिया शुरू हुई थी कितने कम ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स से आज कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। फिर एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने वहाँ बताया था, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो जानते ही होंगे, वो प्रोसेस जिससे एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होकर अपने नंबर को बढ़ा लेता है। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से अपना ग्रोथ करती है। जैसे ये एक बड़ा सेल है, इससे सेल डिवीजन करके दो छोटे छोटे डॉटर सेल्स बन गए, इसी को बताया गया है। जैसे इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू लाइफ स्पैन। अभी हमारे पास एक प्लांट है, सो ये समझो कोई प्लांट है, तो इनके जो टॉप में होता है वहाँ एक टिश्यू होता है जिसको हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। सो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, और ये डिवाइड की वजह से वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन अपने पूरे जिंदगी भर वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में ये टिश्यू नहीं पाया जाता, तो एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज ओनली। एनिमल्स सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो सेल डिवीजन होता है एनिमल में वो सर्टेन टिश्यू में होता रहता है। क्यों? लॉस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो वो ऊपर के स्किन का लेयर आपका चला जाएगा, वहाँ के सेल्स खो जाएंगे, उनको रिप्लेस करने के लिए जो नए सेल्स आते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू ही आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं। यो हम इन विट्रो मतलब लैब में टेस्ट ट्यूब या वगैरह उन सब चीज़ों में कल्चर करके एक माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब उन दोनों एकदम क्लियर कट डिवीजन है उनमें। ग्रोथ क्या होता है, एक छोटे बच्चे से बड़े होने की जर्नी को हम ग्रोथ कहेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन से एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग बनाने को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। सो एक हमें ये ध्यान में रखना है कि इंक्रीज इन बॉडी मास को हम ग्रोथ बोल रहे हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माउंटेन्स है, ये कोई पहाड़ है, ईयर बाई ईयर अर्थक्वेक या किसी के चलते ये छोटा भी हो सकता है, या इस पर नए नए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड हो सकते हैं जैसे नए नए पत्थरों के टुकड़े, और ये थोड़ा और बड़ा भी हो जा सकता है, या बाउल्डर्स या सैंड माउंट, डेजर्ट में जो सैंड माउंट्स होते हैं उनमें और रेट आती रहती है और वो बड़े होते जाते हैं, तो उनका भी तो साइज इंक्रीज हुआ है। पहले ये इतना सा था लेकिन अब उसका साइज इतना सा बढ़ गया है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो गया। सो इसलिए एक बात हमें पता चलनी चाहिए कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है सरफेस में। जैसे ये देखे सैंड माउंट, ऊपर और सैंड के टुकड़े आके ये साइज बड़ा है, लेकिन इन जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, हमारे अंदर से ग्रोथ होता है, हमारे अंदर सेल डिवाइड करते हैं और उससे ग्रोथ होता है। सो ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी शो करता है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। हमें वो सर्टेन कंडीशंस बताने पड़ेंगे जिसमें कि ये ग्रोथ हो रहा है, जैसे इंट्रिंसिक ग्रोथ अंदर से हो रहा है बाहर से नहीं, लेकिन एक डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करता। ये सब को देखते हुए ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम है।
अब नेक्स्ट ग्रोथ के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन हम क्या मानते हैं उसको, एक पेरेंट से एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन होना जिसके फीचर्स उस पेरेंट से मोर और लेस सिमिलर, मतलब लगभग सेम है, थोड़े वेरिएशंस होते हैं, और इसी को हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन एसेक्सुअली भी बहुत ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे फंगाई। फंगाई कैसे करते हैं, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स की एक फंगस है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, सो ये स्पोर्स बाद में फैल जाते हैं अलग अलग जगह, ये एयर वाटर के थ्रू जाते हैं, और वहाँ जहाँ ये लैंड करते हैं वहाँ नए फंगस का ग्रोथ होता है। सो वैसे ही इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग होता है इनमें, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग आपने देखा ही होगा, ये एक ईस्ट है तो ये एक ईस्ट जब ग्रोथ करता है तो एक स्मॉलर बट इसमें फॉर्म होता है, और ये बट बाद में इस ईस्ट से सेपरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब प्लेनेरिया जो एक फ्लैटवर्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू रीजनरेशन होता है, मतलब एक प्लेनेरिया हमारे पास इस शेप का होगा, ये जब एक साइड से कट हो जाएगा तो ये कट से ही एक नया और दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इनमें ट्रू रीजनरेशन है, जो क्या होता है, एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। सो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट हमारा आता है फंगाई। फंगाई तो पहले बार स्पोर्स से करता ही है, लेकिन उसके एडिशन में फंगाई फिलामेंटस एल्की और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस सब लोग फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक फंगाई का फिलामेंट है, यहाँ से बाई चांस में कट हो गया तो ये जो इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो नए फंगाई में ग्रोथ कर देंगे, उसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब देखते हैं, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्की और एमीबा, जब हम इसमें देखते हैं तो ये एक बैक्टीरिया है हमारे सपोज, ये जब डिवाइड करेगा तो दो और बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन करेगा। सो हम अभी देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो एक बैक्टीरिया जब ग्रोथ करेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा होने के बाद वो टूट के दो डॉटर सेल्स बनाएगा, तो दो डॉटर सेल्स जो बनाए वो ग्रोथ से ही बने, लेकिन वो तो रिप्रोडक्शन भी है, इसलिए हम क्या करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एकदम सिनोनिमस, मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों ही क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सो हमें एक डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास ये मिल गया, तो ये दोनों रिप्रोडक्शन में वही होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर। लेकिन हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन यही और एक बात आती है कि ऐसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, म्यूल्स, स्टराइल वर्कर बीस और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते पूरे लाइफ स्पैन में। तो रिप्रोडक्शन तो ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये शो भी नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसलिए ये नॉन लिविंग में भले ही रिप्रोडक्शन ना हो, फिर भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो पाती। अब तीसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे बॉडी में जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे अभी ऑल ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ढेरों हजार लाखों में, तो ये केमिकल्स छोटे या बड़े हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जैसे प्रोटीन्स हमारे स्टोमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये जब डाइजेस्ट होता है तो एमिनो एसिड्स फॉर्म करते हैं स्मॉलर, तो ये एक प्रोसेस है। तो एक प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल में टूटा तो एक कन्वर्जन हो गया ना, इसी कन्वर्जन को हम केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक ही समय में एक इंडिविजुअल में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं। सो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम। कहा गया है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रोब्स सब में ये मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म को हम सिंपली बोले तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी।
मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे सबको एक साथ हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लेकिन हम टेस्ट ट्यूब अगर ले ले एक टेस्ट ट्यूब, उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम। लेकिन हम ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम कर रहे हैं वो सेल फ्री सिस्टम्स में कर सकते हैं, मतलब सेल नहीं चाहिए उसके लिए। ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड ऑफ बॉडी में हो रही है, वो तो लिविंग भी नहीं है नॉन लिविंग भी नहीं है, क्योंकि इससे तो एक ऑर्गेनिजम्स हो ही नहीं सकते, ये सिर्फ एक रिएक्शन है। तो इसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। लेकिन हम ये बोल सकते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, जो विट्रो में हम सेल्फ टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शंस है। इनको हम लिविंग रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं? इन रिएक्शंस के चलते ही एक ऑर्गेनिज्म जिंदगी अपनी चला पा रहा है, इससे वो मेटाबोलाइज और अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इनको लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। सो एक डिफाइनिंग फीचर है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, विदाउट एक्सेप्शन। इसको हम एक्सेप्शन नहीं मानेंगे जो सेल फ्री सिस्टम्स में हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हैं वो, क्योंकि ये नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। और एक आता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब एक सेल सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। एक सेल के अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ बन के टिश्यू फॉर्म करता है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सिमिलर इन ओरिजिन और फंक्शन होता है। फिर ये टिश्यू मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। फिर ऑर्गेन से हम ऑर्गेन सिस्टम तक जाते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एक अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए बेसिक यूनिट तो उसका सेल ही है, तो सेल से ही ऑर्गेनाइजेशन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सो इसलिए हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ फॉर्म्स का। इस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सो एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो सराउंडिंग में है वो अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सन हो सकता है या रेन हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो एक सेंस कर पाते हैं हम लोग उस पर। हम जैसे आज बारिश दे रहा है, एक इंसान क्या लेगा, अपना रेनकोट और छाता लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पर हम रिएक्ट कर सकते हैं। वो कुछ फिजिकल भी हो सकता है, अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। केमिकल हो सकता है, हम दवाइयाँ लेते हैं हमें जब बुखार हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है। और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे हमारा कोई सूरज से, हमारे कोई अलग ऑर्गेनिजम्स एयर से हम ब्रीथ कर ले, उन पर रेस्पॉन्स कर सकते हैं ना। अभी अगर बैक्टीरिया अटैक कर दे हमारे बॉडी पे, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देगा। सो उसी को हम बोलते हैं हमारा एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नर्व्स इसमें लगे हुए हैं, मैसेज उस ऑर्गेन से ब्रेन तक पहुँचाना और वापस उसको डायरेक्ट करना। सो हम अपने एनवायरनमेंट को हमारे सेंस ऑर्गेन से हम पहचान पाते हैं। प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर रिएक्ट करते हैं, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एट्सेट्रा। मतलब जिससे प्लांट को जो लाइट, वाटर, टेम्परेचर चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो सब उसके लिए बहुत रिस्पॉन्ड करेंगे उस फैक्टर्स पर। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस ऑर्गेनिजम्स ही इसको सेंस कर पाते हैं। एक बेसिक प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स मतलब इंसानों तक, ये सब लोग इस रेस्पॉन्स कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल क्यूज पर। फोटोपीरियड एफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, जैसे पोलर बियर्स ठंड में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो उनको वो लाइट नहीं मिल पाता, इसलिए वो उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करते। तो वैसे रिप्रोडक्शन बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे इंसान तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स है, लेकिन कुछ प्रकार के डॉग्स, फ्रॉग्स, बियर्स ये किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। तो ये लाइट का अमाउंट, फोटो पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को हैंडल कर पाता है। जैसे हम इंसान दवाई लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं और हमारी बॉडी भी उसको
यूज कर पाती है अपने हिसाब से। ऑल ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। अभी किसी एनिमल पर हम अटैक करने जाए तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो अपने को प्रोटेक्ट करेगा, तो अपने सराउंडिंग के साथ वो अवेयर है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ ह्यूमन्स में पाया जाता है, क्योंकि हम अपने बारे में सोच सकते हैं लेकिन बाकी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। हम में वो फीचर्स है जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है, जो हम एबिलिटी टू सेंस करके हम रेस्पॉन्स कर पाते हैं, वो सब ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन्स की प्रॉपर्टी है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों के रिलेटेड ये एक डिफ़िकल्टी है कि हम लिविंग स्टेट को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पेशेंट्स है जो कोमा में हॉस्पिटल्स में मशीन्स पर डिपेंडेंट है, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, उनके हार्ट और लंग्स उस मशीन से रिप्लेस हो चुके हैं, तो वो एक इंसान ब्रेन डेड होता है, उसमें नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बिस्तर पे उन मशीन्स पर डिपेंडेंट है। तो उन पेशेंट्स जो नॉर्मल जिंदगी में आ ही नहीं पाते, वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो इसका आंसर है वो लिविंग है, क्योंकि वो बाकी सब प्रॉपर्टीज शो कर रहे, वो ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि उसके अलग अलग दिन प्रतिदिन उसमें ग्रोथ तो होगी ना, मेटाबॉलिज्म होगा, उसको ज़िंदा रखने के लिए बॉडी में अलग अलग रिएक्शन चलेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, वो सब होगा ताकि वो ज़िंदा रहे, उसमें कॉन्शियसनेस भी होगी। पहली बार सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें है ही, क्योंकि वो सेल्स से बना है, और उसमें कॉन्शियसनेस होगी, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। यहाँ NCERT ने भी बोल दिया है क्योंकि नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है। अभी तुम उसको कुछ मेडिसिन दो, वो उसके प्रति रिएक्ट करेगा, और अलग अलग उसके मशीन्स में लगाए हो तो उसके मशीन्स की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इसलिए तो वो ज़िंदा उस मशीन्स पे है, तो उस पर कॉन्शियसनेस है, तो वो पेशेंट क्या है, लिविंग है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। इन हायर क्लास, जब हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा, ऑल फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। अभी हर चीज़ इंटरेक्शन से ही होती है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट एज इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमोंग कंस्टिट्यूएंट सेल्स। मतलब अभी सोचो, एक इंसान का ब्रेन है, उस इंसान के ब्रेन के चलते हम अलग अलग प्रोसेसेस अपने बॉडी को चला पाते हैं, लेकिन अब ब्रेन किससे बना है, छोटे छोटे सेल्स से ही तो बना है। उस सेल्स में क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने पूरे काम को ऐसे सोच सकता है, नहीं, लेकिन वो सेल्स क्या बना है, एक टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गेन, ये ऑर्गेन अपने आप को चला पा रहा है, अपने अलग अलग पूरे बॉडी को चला रहा है अलग अलग सोर्स स्टिमुली के चलते, लेकिन एक टिश्यू तो नहीं कर पाएगा ये। तो यही बताया गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट सेल। ऐसे आप अलग अलग टिश्यूज है जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शन, वो जैसे हार्ट टिश्यू वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो सेल्स में तो नहीं है लेकिन वो इंटरेक्शन के चलते आई है। तो वैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो वो ATP सिंथेसिस करता है बॉडी में, वो किससे बना है, वो अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से तो बना है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या प्रॉपर्टीज है ATP सिंथेसिस की, नहीं, लेकिन वो पूरा ऑर्गेनेल अपने आप कर पाता है, जो कि एक इंटरेक्शन से ही तो आया है अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स से। तो हम ये बता सकते हैं कि इंटरेक्शन जो है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज करता है, मतलब एक सेल में जो प्रॉपर्टीज नहीं है वो इमर्ज होती है एक हायर लेवल पे, मतलब टिश्यू में, और टिश्यू में जो नहीं होता वो ऑर्गेन। तो ये जो फेनोमेना है वो ट्रू है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल, सब में ये दिखेगा, सब में इमर्जेंट प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ होगी। एक इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अपने हर प्रोसेसेस कर सकता है लेकिन एक ऑर्गेन सिस्टम नहीं कर सकता, वैसे ही वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि हम रिप्रोड्यूस करके अपने आने वाले जनरेशन को बना पाते हैं, इवॉल्विंग, हम इवॉल्व करते हैं। पहले के ह्यूमन्स और आज के ह्यूमन्स में बहुत फर्क है क्योंकि हम इवॉल्व किए हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारा अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम इंटरेक्ट करता है, हमारा हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक्ड है क्योंकि वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन हार्ट तक आता है जो अलग अलग जगह पे पंप करता है। तो वैसे अलग अलग सिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग और इंटरेक्टिव है, और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, हम अलग अलग स्टिमुलस से रिएक्ट करते हैं।
तो हमारी बायोलॉजी है वो अर्थ के अलग अलग लाइफ को स्टडी करती है। सो बायोलॉजी क्या है? एक स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है, कैसे अलग अलग लाइफ के ऑर्गेनिजम्स चेंज हुए हैं टाइम टू टाइम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उस पर आज जो प्रेजेंट है, पहले जो प्रेजेंट्स थी और फ्यूचर में जो आने वाली है, सब कुछ ना कुछ तरीके से एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है, लेकिन वेरिंग डिग्रीज, क्योंकि अलग अलग रेडिएशंस के चलते हर बार थोड़ा चेंज आता है। यही तो इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसी के चलते अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए हैं। आज इंसान में कुछ प्रॉपर्टीज है, हो सकता है आने वाले इंसानों में वो प्रॉपर्टीज ना हो, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा। क्यों? अलग अलग रेडिएशन के चलते या कुछ के चलते। तो ये जो चेंजेस है वो वेरिंग डिग्रीज के चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो वही है। हमारे पहले के एंसेस्टर्स का ही जेनेटिक मटेरियल चेंज हो के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आज बने हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इस और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।